अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ एक पबजी का ऐसा गेम प्ले जिसको देख के आप बोलोगे दिस इज़ इम्पॉसिबल थ्रोन भाई, इम्पॉसिबल। समझ रहे हो आप लोग? बोलोगे इम्पॉसिबल, समझ रहे हो? थोड़ा सा इम्पॉसिबल कि ऐसा नहीं हो सकता। एक मसला चल रहा है मेरे साथ तो अक्सर ही हो रहा है, और मैंने अपने दोस्तों से बताया, तो उनके साथ भी इशू है कि पबजी चल रहा है, हमारी पिंग आ रही है 42, 45, 50, और यकदम जनाब आला हमारी पिंग पहुंच जाती है, हमें छूती हुई दिखाई देती है 948, 950, 975, 972। ये मसला क्यों हो रहा है और कौन तंग कर रहा है ये समझ में मत कि हमारी बाहर है, लेकिन मसला सिर्फ इतना था कि कुछ बहुत बुरा हमारे साथ दोबारा से होने वाला है, अल्लाह ना करे, लेकिन पबजी ना बैन दोबारा से होने वाला है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, याद रखना ये मेरी बात जो ये वीडियो देख रहा है। पर चलते गेम प्ले की तरफ, तो ये गेम प्ले है रेंगल 1.0 का। मेरे पास बहुत सारे 1.0 के रखे हैं, तो गुजारा कर लो यार तुम, जब मैं इस पर भी नहीं पहुँचा था। तो पहला बंदा ओम से बताओ कौन मारता था यार, ये पता नहीं कौन सा बंदा है अजीब सा जिसको जाते ही ड्रॉप मिल जाता है, ओम मिल जाती है, और ये उसमें से गन लेके पहला बंदा ही मार देता है। हमें तो नहीं मिला आज तक ऐसा कोई भी सीन हुआ, हैकर भरे हुए हैं भाई इस सीज़न में। ठीक है, तो हमको गन वन मिल गई। अब मेरी बेवकूफ़ी की हद देखो आप, बंदा यहाँ नहीं है, मैं सामने तो समझ रहा हूँ ना, वो बंदा सिर्फ सामने से गुजर गया है, तो मुझे लग रहा है वो बंदा सामने, वो सामने नहीं है, वो गुजर के रोटेशन लेके मेरे मज़े ले रहा है, वो बिल्कुल राइट साइड पे खड़ा है, राइट साइड वाले कंटेनर है ना वहाँ पे खड़ा हो, कि वो मेरे जब से ही टीपी पे ले रहा है, और वो ये सोच रहा है कि मैं जब ये बाहर निकलेगा मैं उसको पूरा फिनिश कर दूँगा। वो ही बेवकूफ़ है मेरी तरह। जब मैं निकला हूँ इतनी देर के बाद उसके शॉट आया, और वो बंदा है एंडी कपड़े पहने हुए वाला, ठीक है, जिसने एंडी के करेक्टर है ना वो बंदा है, ठीक है। मैं जब यहाँ आया तो मैं हील कर रहा था, और फिर यहाँ पे भी बंदा आ गया, लेकिन ये बॉट था, लेकिन ये बॉट भी ऐसी ख़तरनाक कोई दे रहा है ना मूवमेंट के, असल बंदा भी इसके सामने कुछ ना लगे, वो तो बस मारने के बाद जब नाम पता चलता है कि नाम इसका ये, यहाँ पे चलो अब ये बॉट है, अब तो सिर्फ ना नाम की पहचान है कि जो जिसका नाम अजीब सा होगा ना वो बॉट है वरना नहीं है। अब भले वो नाम मरने के बाद तुम्हारा आए या उसका है वो बात अलग है, समझ रहे हो ना। इन भाई को हमने फ़ौरन से मारा, और ये बॉट था, क्योंकि M4 और कोई आप पे रचना करे थी तो बेवकूफ़ी है। फिर मैं अंदर गया और मैंने भर भर के फिर मैं आ गया कंटेनर्स के ऊपर, और जब मैं कंटेनर्स के ऊपर आया ना तो एक साउंड आ रहा था नीचे से कि कोई उप नीचे वाले कंटेनर्स पे जंप कर रहा है, तो मैं उसको ही देखा था वो कौन है, फिर वो नीचे जंप करके आगे जाने लगता है, वो है एंडी, हमारा मुजरिम पकड़ा गया जनाब आला। और जब भी यहाँ मैंने, मैं तेरी तरह गलती नहीं करूँगा, मैं तुझे फिनिश करूँगा, और यहाँ मैंने उसको छोड़ा होगा 30% HP होगी, 30 HP उसकी छोड़ी होगी, ठीक है, ज़ाहरी बात है वेस्ट हेलमेट भी होगी उसके पास। जब मैं फिर नीचे आया, देख लो ये एक तरीका बता दिया मैंने तुम लोगों के क्रेन पे से बगैर हेल्थ लूज की कैसे जाएँ, तो यहाँ पे उसको मैंने एक बॉडी शॉट दिया, तो अब उसकी HP होगी, अगर उसने हील भी कर ली होगी तो उसकी HP होगी 60%, तो मैं उस पर रश कर सकता हूँ, मुझको हक दे दिया है कानून ने। लेकिन जनाब आला, क्या मैं उसको मार पाऊँगा या वो मुझे मार देगा, कि वो है ईरानी बंदा, उसकी पिंग बहुत प्यारी आ रही है, हमारे पता नहीं सर्वर क्यों डाउन हो रहे हैं, पता नहीं क्या ही, बहुत घबरा गया था ये बंदा, इधर जम कर रहा उधर जम कर रहा, फिर ये सीधा चाहूँ सामने जा रहा है, अरे ऐसे कैसे, अभी 20 HP भी नहीं रहा और AKM सामने, क्या एक ही गोली नहीं लगी बेचारे को, चौड़े जंप कर रहा है अब्बा से होशियारी, चौड़े M240 आपको पता है मैं स्नाइपर चलाता नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि चलाने नहीं आती है, वो नहीं है कि नहीं मैं एक्सपर्ट हो गया, नहीं 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 मेरा बैड लक है, मैंने जब भी स्नाइपर पकड़ी है ना या तो मैं मर के फिनिश हुआ या मेरा पूरा स्कोर मर के फिनिश हुआ। फिर हमने एक बॉट मारा, बॉट जाने आई लव यू, हमारी KD का राज यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, मैं कहता नहीं तुम लोग करते नहीं हो, मैं भी भूल जाता हूँ। फिर हम जा रहे थे आगे, आप बताता हूँ सीन क्या था, कि पूरा ये मसला है कि दो बंदे थे सिटी पे, मैं वहीं से भाग के आ रहा था, और एक बंदा वेयरहाउस पे था, तो मैंने बोला सिटी वाले को छोड़ो इसको तो ज़रूर मारूंगा मैं, मैंने अपनी गाड़ी तमीज़ से कवर पे लगाई, और एक बॉट उसी वेयर हाउस पे जा रहा था, मैंने बोला तू कहाँ जा रहा है, इधर आ चल, इधर आ इधर आ इधर, तो मैंने इसका किल चुरा लिया। तो हमारे वो चार के साइड से स्प्रे आ रहा है, और ये कोई नॉर्मल, ये एक बंदा है नॉर्मल बंदा, ये
लेकिन सर जब प्रोन लेटता है ना तो सामने वाला बंदा मर जाता है। अब इसकी देख लो स्प्रे चक्कर है भाई का। अब इसकी बेवकूफ़ी देखो कि अगर मेरे पास M24 होती तो इसको यहीं ये मर जाता, लेकिन चलो मेरे पास नहीं है, कोई मसला नहीं है। जब भी आप स्मोक करो तो आपकी नियत नियत ये होनी चाहिए कि व्यू सामने वाले का ब्लॉक हो। अब ये जितनी दूर कर सकता था ना मेरे पास, इसको वहाँ करना चाहता है स्मोक। अब ये भाई हमारा तीनों के तीनों स्मोक जो करेगा वो अपने ऊपर कर देगा ताकि इसका व्यू ब्लॉक हो जाए। ले यार हम तो तुमको पता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हो क्या हो गया इस बेचारे के साथ, समझ रहे हो ना। अंधाधुन फायरिंग में मार दिया, और कल यूनिवर्स उस हेडलाइन आई अंधाधुन फायरिंग में एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को जान से मार दिया, उसका नाम जाकिर था। अब मैं पीछे गाड़ी लेके खड़ा हुआ था, ये गाड़ी मेरी नहीं थी, ये स्किन वाले बंदे की थी, क्योंकि ये स्किन मेरे को मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने उसका वेट किया, जब वो नहीं आया तो मैंने छोड़ दी, लेकिन फिर मुझे दिखी बग्गी, और जब बग्गी दिखी तो मुझे बंदा भी दिखी। क्या बंदा लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा भागा था, तो पहले मैंने चाही उससे फाइट, फिर आ गया पीछे से साउंड कि कोई कार की तरफ जा रहा है, और जब मैं उसकी तरफ गया तो वही बंदा चमल गया, पता नहीं कौन सा माल फूक के आया था। वो आराम से जाके नॉर्मल बैठ रहा, और ये बंदा था द सेनेट 5555। और अब मैं बताता हूँ ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुआ था। ये देख लो, ये देख लो, देख लो, उसको एक गोली नहीं लगी है मेरी। इतना दुख हुआ ना मेरे को यार कि बंदा इतना क्लोज आके मर जाए। तो बस आज के लिए इतना ही था। दरअसल अभी 4 बज रहे हैं, 3:50 हो रहे हैं, 4 बजने वाले हैं। मुझे बहुत ही नींद आ रही है, कल सुबह कॉलेज जाना है, तो इस वजह से ना अपन मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्लीज़।